हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आरडी शर्मा की एक्सरसाइज 18.2 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड एंड अ क्यूब। मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज 18.2 का ये पार्ट थर्ड है। पार्ट वन और पार्ट टू मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो को शुरू करते हैं क्योंकि यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। तो बच्चों, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। अ बॉक्स विद लिड इज मेड ऑफ 2 सेंटीमीटर थिक वुड, इट्स एक्सटर्नल लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर 25 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। हाउ मच क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ए लिक्विड कैन बी प्लेस्ड इन इट, ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज्ड इन इट। तो चलिए अब समझ लेते हैं इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। यहाँ पर एक बॉक्स है जो कि वुड का बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है, और यहाँ पर लिड के साथ है ये बॉक्स, है ना, ओपन नहीं है, यानी कि यहाँ से खुला हुआ नहीं है, लिड के साथ है, ये बंद है आपका। और ये जो वुड है इसकी थिकनेस भी आपको गिवन है, है ना। लेट से अगर मैं बात करूँ इस साइड की, तो मैं आपको यहाँ पर थिकनेस दिखा देता हूँ किस तरह से आप इसको समझोगे। ये जो साइड है मैंने इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है, है ना। ये अंदर से आप देख सकते हैं, ये जो व्हाइट मैंने यहाँ पर पेंट किया है, है ना, ये थिकनेस होगी। तो ये जो थिकनेस है ये कितनी है, 2 सेंटीमीटर की होगी, है ना। इसका जो डायमेंशन है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर का है। और यही थिकनेस हर वॉल की होगी, है ना। ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स का हर एक फेस, हर एक वॉल आप बोल सकते हो, हर एक फेस बोल सकते हो, उसका थिकनेस कितना होगा, 2 सेंटीमीटर का होगा। इसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं इस बॉक्स की एक्सटर्नल लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, है ना। ये जो आपकी लेंथ है ये है 25 सेंटीमीटर, और ये जो ब्रेथ है वो है 18 सेंटीमीटर, और हाइट है 15 सेंटीमीटर। और इसके बाद पूछा है कितना क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ लिक्विड इस बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं, कितना प्लेस कर सकते हैं लिक्विड, ओके। इसके बाद पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज्ड इन इट, यानी कि वुड कितना इस्तेमाल हुआ है उसका वॉल्यूम आपसे पूछा है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है, कहां से शुरू करना है। जैसे आपसे पूछा है हाउ मच क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ए लिक्विड कैन बी प्लेस्ड इन इट, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि कितना पानी इस बॉक्स के अंदर हम डाल सकते हैं। देखिए यहां पर जो पानी अंदर हमने डाला है, लेट्स से ये पानी है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि ये क्या हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया, है ना। लेकिन इंटरनल वॉल्यूम हुआ है, और इंटरनल वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपको इंटरनल डायमेंशन मालूम होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर आपको 2 सेंटीमीटर की थिकनेस भी गिवन है। ये जो वुड है हर एक फेस का, हर एक साइड का, यहां पर थिकनेस 2 सेंटीमीटर है, तो आपको इंटरनल डायमेंशन भी फाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक्सटर्नल जो डायमेंशन गिवन है इसके बेस पे हम इसका टोटल वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो ये जो बॉक्स है ये बेसिकली है आपका क्यूबॉइड, इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको गिवन है, तो इसका आप वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, दैट मींस एक्सटर्नल वॉल्यूम, है ना। तो ये हो जाएगा आपका लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, ओके। ये आपका सॉल्व होके आ जाएगा 6750 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद आपको फाइंड करना है इंटरनल वॉल्यूम, और इंटरनल वॉल्यूम के लिए आपको इंटरनल डायमेंशन मालूम होनी चाहिए। ये जो क्यूबॉइड है इसकी इंटरनल डायमेंशन के लिए ये जो थिकनेस है इसको आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एक्सटर्नल है आपका क्यूबॉइड, ओके, तो इसका वॉल्यूम डिफरेंट है, और जो इंटरनल होगा इसका वॉल्यूम डिफरेंट होगा, है ना। तो आपको ये जो थिकनेस है कहीं ना कहीं डायमेंशन में आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इंटरनल डायमेंशन हम फाइंड कर लेते हैं। इसके लिए आप क्या करोगे, जब आपको लेंथ निकालनी होगी तो आप क्या करेंगे, 25 माइनस 2 इनटू थिकनेस, है ना, ये आपका क्या होगा, फॉर्मूला होगा। तो ये आपको हर जगह यही अप्लाई करना है लेंथ, ब्रेथ और हाइट के लिए। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि हमने 2 इनटू थिकनेस कैसे किया है। देखिए अगर हम लेंथ की बात करें, ओके, लेंथ आपकी 25 सेंटीमीटर है, तो यहां पर ये जो आंसर है 21 कैसे आया, देखिए लेट्स से हम यहां पर मान लेते हैं ये जो आपकी थिकनेस है मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी है, ये आपकी 2 सेंटीमीटर की है, ओके। इसी तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ओके,
ये भी आपकी 2 सेंटीमीटर की होगी, है ना, ये आपकी 2 सेंटीमीटर की है, ये आपकी 2 सेंटीमीटर की है, तो टोटल आपकी 25 है, तो माइनस कितनी होगी, 4 होगी, है ना, वही मैंने यहां पर लिखा है 2 into 2, और ये माइनस करने के बाद आ जाएगी आपकी 21 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको ब्रेड के लिए भी लेना है, हाइट के लिए भी लेना है ना, क्योंकि हर जगह आपका 2 सेंटीमीटर का थिकनेस है, तो आपको 2 into थिकनेस करना पड़ेगा दोनों तरफ, ओके। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ब्रेड आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, हाइट आ जाएगा 11 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 आपको दोनों तरफ से माइनस करना पड़ेगा, दैट मीन्स 4 आपको दोनों तरफ से माइनस करना पड़ेगा, चाहे वो लेंथ हो, ब्रेड्थ हो या फिर हाइट हो। तो जैसे ही आपके पास इंटरनल डायमेंशन आ जाती है, उसके बाद आप इंटरनल वॉल्यूम भी फाइंड कर लेंगे। सिंपली यहां पर आप वैल्यूज को पुट कर देंगे, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। लेंथ आपकी है 21 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 14 सेंटीमीटर और हाइट है 11 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3234 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आ चुका है इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। और जैसे ही आपका इंटरनल वॉल्यूम निकल जाता है, इसका सिंपल सा मतलब है उतना ही ये पानी लिक्विड होल्ड कर सकता है ना, तो आंसर इसका यही होगा। यू कैन राइट देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड दैट कैन बी प्लेस्ड इज इक्वल टू 3234 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। और लास्ट में आपसे पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज्ड इन इट। इसका सिंपल सा मतलब है आपको वॉल्यूम निकालना है वुड का। तो यहां पर वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो एक्सटर्नल वॉल्यूम है आपका, है ना, टोटल जो वॉल्यूम निकल के आया है एक्सटर्नल, जो डायमेंशन आपको गिवन थी, जो हमने यहां पर निकाला है 6750, है ना, ये आपका क्या है, एक्सटर्नल वॉल्यूम। इसमें से आप माइनस कर दोगे इंटरनल वॉल्यूम को, है ना, इंटरनल वॉल्यूम हमने यहां पर फाइंड कर लिया है 3234 सेंटीमीटर क्यूब, इसको आप माइनस कर दोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा 3516 सेंटीमीटर क्यूब, और ये आपका क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ दी वुड यूज इन इट। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। द एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ ए क्लोज्ड वुडन बॉक्स आर 48 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। द बॉक्स इज मेड ऑफ 1.5 सेंटीमीटर थिक वुड। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ साइज 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 0.75 सेंटीमीटर कैन बी पुट इन दिस बॉक्स। तो चलिए अब समझ लेते हैं इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। यहां पर ये जो वुडन बॉक्स है, इसकी एक्सटर्नल डायमेंशन आपको गिवन है, यानी कि लेंथ 48 सेंटीमीटर गिवन है, ब्रेड 36 सेंटीमीटर और हाइट है 30 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको वुडन बॉक्स की थिकनेस भी गिवन है 1.5 सेंटीमीटर। तो जिस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 11 में देखा था, इंटरनल डायमेंशन हमने फाइंड की थी, इंटरनल वॉल्यूम फाइंड किया था, तो यहां पर भी क्या करेंगे, आप इंटरनल डायमेंशन फाइंड कर लेंगे, उसके बाद आप इंटरनल वॉल्यूम भी निकाल लेंगे। तो जैसे हमने वहां पर किया था उसी तरीके से यहां पर भी करेंगे, आप लेंथ आप फाइंड कर लेंगे, ठीक है, ये आपकी एक्सटर्नल लेंथ है, और यहां पर आप थिकनेस को माइनस कर देंगे, थिकनेस आपकी दोनों तरफ होगी, थिकनेस का वैल्यू है आपका 1.5, है ना, यहां पर मैंने रख दिया 2 into 1.5, तो ये आपका 3 हो जाएगा, 48 minus 3 आपका आ जाएगा 45 सेंटीमीटर। इसके बाद आप ब्रेड भी निकाल लेंगे, हाइट भी निकाल लेंगे, ओके, ब्रेड आपकी आ जाएगी 33 सेंटीमीटर, हाइट आ जाएगी 27 सेंटीमीटर। इसके बाद आप इंटरनल वॉल्यूम भी फाइंड कर लेंगे, ये जो वैल्यूज हैं यहां पर आप पुट कर देंगे, इसके बाद आप इंटरनल वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि ये जो मेजरमेंट है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, इस मेजरमेंट की, इस डायमेंशन की कितनी ब्रिक्स इस बॉक्स में आ सकती हैं, है ना, कितनी ईंटें आप इस बॉक्स के अंदर प्लेस कर सकते हो, यही आपसे पूछा है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि इसको अब आगे सॉल्व कैसे करना है। देखिए, ये जो ब्रिक्स हैं आपको कहीं ना कहीं इसके अंदर ही आपको प्लेस करनी है, तो इसका मतलब है जो आपका इंटरनल वॉल्यूम है ये आपके काम आने वाला है, ओके। इसके बाद आपको यहां पर ध्यान देना है, ये जो ब्रिक्स है ना, लेट से दिस इज योर वन ब्रिक मेजरमेंट, ओके, जो सिंगल ब्रिक है उसका मेजरमेंट आपको गिवन है, तो इसका वॉल्यूम आप फाइंड कर सकते हैं, है ना। वॉल्यूम हम इसका क्यों फाइंड करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा हम इसका वॉल्यूम क्यों फाइंड कर रहे हैं। पहले हम यहां पर लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, ओके। तो ये क्या होगा आपका, क्योंकि जो ब्रिक है आपकी वो क्या है, क्यूबॉइड है, तो इसका भी वॉल्यूम आप 6 into 3 into
0.75, ओके, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, यही तो होगा। नाउ लेट्स से ये आपकी एक सिंगल ब्रिक है, ये सिंगल ईट है आपकी, ओके। इसी तरीके से आपकी जो बाकी ब्रिक्स होंगी वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर रखी होंगी, ओके। तो यही आपको निकालना है कि कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स इसके अंदर आ सकती हैं, कितनी आप इसके अंदर फिक्स कर सकते हो। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि अगर मैं इसका इंटरनल वॉल्यूम फाइंड कर लूं, जो कि हम यहां पर निकाल चुके हैं, ओके, और जो सिंगल ब्रिक है इसका वॉल्यूम अगर मैं निकाल लूं, ये भी हम निकाल चुके हैं, ओके। तो ये जो वॉल्यूम है इसको आप डिवाइड कर देंगे सिंगल ब्रिक के वॉल्यूम से, तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, आपके पास निकल के आएगा नंबर ऑफ ब्रिक्स, और यही आपको फाइंड करना है। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं। Hence, you can write number of bricks. आपको simply जो volume है internal, okay, इसको आपको ऊपर लिखना है internal volume, और आपका single जो brick है इसका volume है ना, इससे आपको divide करना है volume of वन ब्रिक, ओके। तो यहां पर आप लिख लेंगे 45 इंटू 33 इंटू 27 डिवाइडेड बाय, ये आपका आ जाएगा 6 इंटू 3 इंटू 0.75। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2970 ब्रिक्स, ओके। तो इतनी आपकी ब्रिक्स होंगी कि आप इस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर प्लेस कर सकते हो, है ना, 2970 ब्रिक्स। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। अ क्यूब ऑफ 9 सेंटीमीटर एच इज इमर्स्ड कंप्लीटली इन ए रेक्टेंगुलर वेसल कंटेनिंग वाटर। इफ द डायमेंशंस ऑफ द बेस आर 15 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द राइज इन वाटर लेवल इन द वेसल। तो चलिए अब समझते हैं इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। एक क्यूब है जिसकी साइड है 9 सेंटीमीटर, इसको हमने पूरी तरह से डुबो दिया है, किसके अंदर, एक रेक्टेंगुलर वेसल के अंदर जिसके अंदर पानी भरा हुआ है ना, और पूछा है कि इसकी हाइट कितनी राइज होगी, और ये जो रेक्टेंगुलर वेसल है इसका डायमेंशन आपको गिवन है लेंथ और ब्रेड, और ये जो आपका क्यूब है इसकी भी साइड आपको गिवन है 9 सेंटीमीटर। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपसे पूछा है फाइंड द राइज इन वाटर लेवल इन दी वेसल, यानी कि वाटर लेवल कितना राइज हुआ। तो सबसे पहले आपको फाइंड करना है ये जो क्यूब है इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। तो यहां पर आप लिखेंगे वॉल्यूम, दैट मीन्स साइड क्यूब, ओके, यही तो होगा, और साइड आपको गिवन है 9, तो आप 9 का क्यूब कर देंगे, और 9 का क्यूब होता है 729 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, ये आपका निकल के आ चुका है वॉल्यूम ऑफ दी क्यूब। इसके बाद आप फाइंड कर लेंगे ये जो रेक्टेंगुलर वेसल है इसका जो बेस है, ओके, ये जो नीचे वाला पोर्शन है बॉटम वाला, ये आपका क्या है, कंप्लीटली एक बेस है, और ये भी क्या है आपका, रेक्टेंगल है, ओके। तो इसका एरिया आप फाइंड कर लेंगे, तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ बेस कितना होगा आपका, लेंथ इंटू ब्रेड, दैट मीन्स 15 इंटू 12, ओके, ये आपका आएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आप फाइंड कर लेंगे राइज इन वाटर लेवल। इसके लिए आप क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब को आप डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ बेस से, है ना, एरिया ऑफ बेस ऑफ द रेक्टेंगुलर वेसल, ओके। सिंपली आप इसको सॉल्व कर लेंगे 729 डिवाइडेड बाय 180, तो ये आपका सॉल्व होके आ जाएगा अराउंड 4.05 सेंटीमीटर। तो आपने देखा कितना आसान था, सिंपली आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, और ये जो बेस है इसका आपको एरिया फाइंड करना है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब को आपको डिवाइड कर देना है,
ठीक है, ये जो बेस है तो आपका क्या होगा, ये जो राइज हुआ है, ठीक है, ये जो हाइट है ये निकल के आपकी आ जाएगी। ओके, तो ये आपका सॉल्यूशन होगा, दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, तो चलिए इसको मैं डायरेक्ट आपको समझा देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को एक बार रीड जरूर कर लें। तो चलिए अब समझते हैं इसका मतलब क्या है। ये आपकी एक प्लेन फील्ड है, ओके, और मेजरमेंट पे गिवन है 200 मीटर इसकी लेंथ है और 150 मीटर इसकी ब्रेथ है। ये आपकी एक सपाट फील्ड है, प्लेन फील्ड है, जस्ट लाइक योर प्लेग्राउंड, ओके। और इसके जस्ट नियर में आपको एक प्लॉट गिवन है, इसकी भी मेजरमेंट आपको गिवन है 50 मीटर इसकी लेंथ है और ब्रेथ है इसकी 40 मीटर। और इसके साथ आपको बोला गया है द प्लॉट इज डग 7 मीटर डीप, यानी कि इस प्लॉट को हमने 7 मीटर की गहराई तक खोद दिया है और इसकी मिट्टी निकालकर, ठीक है, इसकी मिट्टी निकालकर हमने क्या किया, यहां पर स्प्रेड कर दी। ओके, जो 7 मीटर तक जो हमने खड्डा खोदा है और जो मिट्टी निकल के आई है वो टोटली हमने यहां पर स्प्रेड कर दी। ये जो आपकी फील्ड है, प्लेन सपाट मैदान है, यहां पर हमने उसको फैला दिया हर जगह, ठीक है, इक्वली हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद आपसे पूछा है बाई हाउ मेनी मीटर्स इज द लेवल ऑफ द फील्ड रेजेस। इसका सिंपल सा मतलब है ये जो मिट्टी आपने यहां पर फैलाई है इसकी वजह से इस फील्ड का लेवल कितना राइज हुआ है, यानी कि कितनी हाइट यहां पर इंक्रीज हुई है। ओके, बात आ गई समझ में आपके, ये जो मिट्टी थी यहां से निकाल के हमने यहां पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी है ना, स्प्रेड कर दी, तो कुछ ना कुछ इस फील्ड का लेवल ऊपर आया होगा, है ना, मिट्टी आपने डाल दी है। और इसके बाद बोला गया है गिव द आंसर टू द सेकेंड प्लेस ऑफ डेसिमल, तो आपको 2 डेसिमल प्लेस तक आपको आंसर देना है। तो चलिए अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो आपने यहां पर मिट्टी निकाली है इस प्लॉट से, जो आपने मिट्टी निकाली है और यहां पर स्प्रेड की है, वो दोनों बराबर है, है ना। तो इसका मतलब है कि जो प्लॉट की मिट्टी आपने निकाली है, जो प्लॉट का वॉल्यूम है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये जो प्लॉट का वॉल्यूम है ये इस मिट्टी के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ फील्ड, ओके, दैट मींस दिस इज योर काइंड ऑफ क्यूबॉइड नाउ, ओके, क्यूबॉइडल यू कैन राइट, एंड यू विल राइट वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, जो आपने यहां पर प्लॉट है इसको आपने खोदा है उसका वॉल्यूम, है ना। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, हम यहां पर लिख सकते हैं 50 × 40 × 7 मीटर क्यूब, यही तो होगा। ये जो आपका प्लॉट है इसका वॉल्यूम कितना होगा, ये आपका लेंथ है, ओके, ये लेंथ है, ये आपका ब्रेथ है 40, और हमने कितना गहराई तक इसको खोदा है 7 मीटर डीप, इसका मतलब है ये इसकी हाइट हो गई, तो मैंने h का वैल्यू ये लिख दिया है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा आपका 14,000, है ना, ये इसका वॉल्यूम होगा। और वॉल्यूम ऑफ फील्ड क्या होगा, यहां पर हम लिख लेते हैं लेंथ कितना है आपको गिवन है 200, ओके, ब्रेथ आपको गिवन है 150, है ना, लेंथ आपकी 200 है, ब्रेथ आपकी 150 है, और हाइट आपको फाइंड करना है, यानी कि इस मिट्टी की वजह से लेवल कितना राइज हुआ, तो इसको आप लिखेंगे इनटू एच, ओके, ये आपकी लेंथ है, ये आपकी ब्रेथ है, और हाइट आपको फाइंड करनी है, और दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा, इसी बात को मैंने यहां पर लिखा है। तो यहां से आप एच का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ओके, यू कैन राइट 200 × 150, सो यू विल गेट 0.47 मीटर, तो ये आपकी हाइट आ जाएगी, ठीक है, ये वो हाइट है जितना लेवल आपका राइज हुआ है, ओके, 0.47 मीटर। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। अब बात करते हैं आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 15 की। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 14 किया है, बिल्कुल वैसा ही है। तो बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहां पर आप वीडियो को पॉज कर लें और इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर लें अच्छे से, और उसके बाद मेरी बात को सुने। बस डिफरेंस इस बात का है, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर जो प्लॉट था
ओके वो बाहर की तरफ था, है ना। तो आपके लिए सॉल्व करना बहुत आसान था, लेकिन इस केस में जो आपका प्लॉट है या कह सकते हैं जो गड्ढा खोदा गया है वो इस फील्ड के अंदर ही है, ठीक है, इस फील्ड का हिस्सा है। आप देख सकते हैं ये आपकी फील्ड है, ओके, रेक्टेंगुलर फील्ड है। इसकी लेंथ है 18 मीटर और ब्रेथ है 15 मीटर। और ये जो आपका कॉर्नर में यहाँ पर एक पिट है, ठीक है, गड्ढा है, इसका मेजरमेंट है 7.5 मीटर इसकी लेंथ है और 6 मीटर इसकी ब्रेथ है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं 0.8 मीटर डीप, यानी कि इसकी जो हाइट है इतना इसको खोदा गया है, इस पर्टिकुलर हाइट तक 0.8 मीटर तक इसको खोदा गया है, ओके, डग किया गया है। डग मतलब इसको खोदना। तो यहां पर क्या किया गया है, 0.8 मीटर तक खोदने के बाद इसकी जो मिट्टी थी उसको यहां पर हमने फैला दिया, ठीक है, ये जो आपका फील्ड है यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली। तो अब आपसे जैसे क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया था कि इसका लेवल कितना राइज हुआ, उसी तरीके से यहां भी पूछा गया है इस फील्ड का लेवल कितना राइज होगा, यानी कि इस फील्ड का हाइट आपसे पूछा है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट कर लेना है, ये जो हाइट है लेवल राइज होगा उसको हमने मान लिया एच मीटर तक लेवल राइज होगा। देखिए अब आपको क्या करना है, आपको मालूम है कि ये जो मिट्टी आपने यहां पर स्प्रेड की है तो वॉल्यूम इन दोनों का बराबर होगा, ठीक है, ये जो मिट्टी आपने निकाल के यहां पर स्प्रेड की है इस मिट्टी के बराबर वॉल्यूम होगा जो आपने यहां से निकाली है, ओके, दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। इसके बाद आपको समझना है कि जहां पर आपने मिट्टी को फैलाया है इसका एरिया आपको निकालना है, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं इस पर्टिकुलर एरिया की, ठीक है, जहां पर हमने मिट्टी को फैलाया है, ठीक है, ये जो एरिया है आपका, ठीक है, तो ये आपको फाइंड करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ द फील्ड ऑन विच द अर्थ टेकन आउट इज टू बी प्लेस्ड, ओके। इसका सिंपल सा मतलब है कि आपको इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है, इसका एरिया फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल एरिया में से आपको ये वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला एरिया आपको माइनस करना पड़ेगा तभी आपका ये वाला एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं टोटल एरिया क्या होगा आपका, 18 × 15 लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, माइनस क्या करेंगे ये एरिया, ठीक है, इसका लेंथ और ब्रेथ आपको गिवन है, तो आप लिखेंगे 7.5 × 6, ओके, तो ये आपका सॉल्व होके आ जाएगा 225 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये एरिया आपका निकल के आ चुका है इसका, ठीक है, जहां पर आपने इस मिट्टी को स्प्रेड किया है, इस पिट में से निकाल के जहां पर आपने स्प्रेड किया है ये एरिया है आपका, ओके। इसके बाद आपको लिखना है एरिया ऑफ द फील्ड इनटू एच, ठीक है, ये आपका बेसिकली हो चुका है वॉल्यूम, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ और हाइट आपको फाइंड करना है, ओके। तो ये आपका बेसिकली क्या हो गया, वॉल्यूम, और ये आपका इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट फ्रॉम द पिट, ओके, क्योंकि यहीं से आपने मिट्टी को निकाल के यहां पर डाला है, ठीक है, तो इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो आप लिखेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, तो ये आप फाइंड कर चुके हैं, ठीक है, ये जो एरिया है, एरिया ऑफ द फील्ड इसका, ठीक है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, इसके एरिया की बात कर रहा हूं, तो ये आपने फाइंड कर लिया था 225 × h, ओके, और वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है,
वॉल्यूम क्या होगा इसका, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम होगा 7.5 इंटू 6 इंटू 0.8। ठीक है, ये आपकी हाइट है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये आपकी हाइट है। ठीक है, इसके वॉल्यूम के बराबर ही तो होगा। तो बच्चों आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइए कि h का वैल्यू कितना आया है। ठीक है, जल्दी से इसको आप सॉल्व कीजिए और फटाफट से आंसर कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइए कि h का वैल्यू क्या आया है। और हाँ बच्चों, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं आपको बता दूं कि एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मैं सभी वीडियोस रात को बनाता हूं, जिससे कि वीडियो की साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी आए और आपको मेरी आवाज सुनने में कोई दिक्कत ना हो और कोई भी बैकग्राउंड नॉइस ना आए। इसी वजह से मुझे अपना फैन भी ऑफ करके रखना पड़ता है, जिससे फैन की आवाज भी वीडियो में ना आ पाए। और इतना ही नहीं बच्चों, इसके बाद फिर वीडियो को एडिट करना पड़ता है, जिसमें काफी समय लगता है। तो बच्चों, इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको बता दूं कि आपका हर एक लाइक और कमेंट मेरे लिए एक रिवॉर्ड की तरह है, क्योंकि जब तक आप किसी भी वीडियो को लाइक और कमेंट करके नहीं बताएंगे तो मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप लाइक जरूर करें, नहीं लगती है तो आप डिसलाइक करें। और आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो बच्चों, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।